एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? होप सो अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, सब ठीक होंगे। और हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं 6:30, और मैं आज बच्चों को लंच में दे रही हूँ मूंग दाल के चीले। दाल को मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था, और सुबह जैसे ही मैं उठी फटाफट मैंने दाल को वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसमें अदरक, जीरा, हरी मिर्च डाल के फटाफट ग्राइंड करके इसको मैंने रख दिया। फिर जैसे मैं डेली करती हूँ, अपना गर्म पानी लेके थोड़ा सा वॉक किया मैंने, और आज मैं बहुत बहुत थोड़ा ही वॉक कर पाई, क्योंकि ये चीले वगैरह ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। सब्जी वगैरह होता है तो उसकी प्रिपरेशन अगर रात में काट के रख दो और मॉर्निंग में बनाओ तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और चीलों में थोड़ा टाइम लगता है, इसको पीसना भी रहता है, आराम से बनाना भी रहता है, और इसकी स्टफिंग भी तैयार करनी रहती है। तो आज मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही वॉक किया। खाने में तो खैर ये टेस्टी रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, और बहुत टाइम हो गए थे बने भी नहीं थे, क्योंकि संडे को ही थोड़ा सा चेंज करके नाश्ता बना लेते हैं। और चीले काफ़ी टाइम हो गया था बना नहीं था, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और उनको जो लंच में बना के देते हैं उसी का हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और संडे को ही कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट बन पाता है। तो चीलों को तो बहुत टाइम हो गया था बने नहीं थे घर में, और स्पेशली दाल के चीले तो बने ही नहीं थे। उधर लॉकडाउन था तो उस समय अक्सर बन जाया करते थे। तो आज मैंने सोचा चलो मूंग दाल के चीले बनाती हूँ, और ये हेल्दी भी रहेंगे और स्कूल वालों को थोड़ा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि स्कूल में इनके बिल्कुल मना है, पास्ता वगैरह तो इनको बिल्कुल अलाउ नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसकी बाद नाश्ता बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करूँगी, और एक तरफ मैंने खाने की भी तैयारी कर दी है। सब्जी वगैरह रात में ही मैंने काट के रख दी थी, तो इसी के साथ ही मैं खाना भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा काम से जाना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मकान बन रहा है कानपुर में, सो उसी के रिगार्डिंग कुछ काम है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए खाना बना के मैं रख दूँगी तो थोड़ा आराम रहेगा। बस पूजा करके और नाश्ता करके बस निकल लेंगे हम लोग, और जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक वापस भी आ जाएंगे। और हाँ, आज मेरा purple.com से थोड़ा सा पार्सल आया था, तो उसमें क्या क्या आया है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ देखिए मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है, और एक तरफ मेरा दाल और चावल भी बन जाएगा, और ये चीले जल्दी से बन जाएंगे तो फिर मैं सब्जी भी इसी पर चढ़ा दूँगी। और अभी बस बच्चों की जाने की तैयारी है, वो स्कूल जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो फिर मिलती हूँ दोबारा से। मैं आपका वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के बाद से मैं अब आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि जितना भी काम था सारा मैंने निपटा लिया। लगभग टाइल्स फाइनल करने थे, टाइल्स फाइनल हो गए हैं, नल और टोटियाँ जो बाथरूम में लगती हैं वो फाइनल करना था, वो फाइनल हो गया है, उनके डिज़ाइन सेलेक्ट करने थे। तो ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि घर बन रहा है उसकी भी खुशी है, और ये सारे काम भी करने हैं। तो सुबह नाश्ता करके निकल गई थी, 10-11 बजे निकल गई थी, सारा काम करते करते 11 बजे हम लोग निकल गए थे नाश्ता करके। और जैसा कि खाना मैं बना कर ही गई थी, साथ नाश्ता बन रहा था, उसी के साथ मैंने खाना बना लिया था। और बच्चे आ गए थे 2:30 बजे और 3 बजे के आसपास हम लोग आ गए थे, तो बस खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि बहुत थक गए थे। और फिर तब तक चाय और डिनर का टाइम हो गया, फिर उसमें लग गए। तो अभी टाइम मिला है और अभी बज रहे हैं 9, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड करते हैं और अपनी शॉपिंग भी दिखा देते हैं। तो मैंने शॉप किया है ये गुड वाइब्स का कैरेटिन का शैम्पू। ये शैम्पू बहुत अच्छा है, और मैं गुड वाइब्स के शैम्पू बदल बदल के यूज़ करती रहती हूँ, और जब से मैंने गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करे हैं तब से मुझे इसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। क्वालिटी वाइज भी अच्छे रहते हैं और पॉकेट वाइज भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं और केमिकल फ्री रहते हैं। सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती कि आपके बजट में भी आ जाए और केमिकल से फ्री भी रहें। सो मुझे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। ये शैम्पू काफ़ी अच्छा है, इसमें कैरेटीन है, ये नरिशिंग शैम्पू है, आपके जो रूखे रूखे बाल हो जाते हैं उनको बहुत अच्छी स्मूथिंग देता है, स्मूथ करता है बहुत अच्छा। सो ये मैंने मंगवाया है, और इसी के साथ में मैंने ये मंगवाया है कंडीशनर है, ये एवोकॉट का है।
तो ये मंगवाया था मैंने, क्योंकि कभी कभी डेली कंडीशनर तो मैं नहीं करती हूँ हर समय, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ, जैसे हफ्ते में दो बार अगर बाल धोए हैं तो एक बार कर लेती हूँ, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ कंडीशनर, तो ये मंगवाया। और फ्रेंड्स गुड वाइब्स बहुत अच्छी सेल चल रही है, और गुड वाइब्स के दो प्रोडक्ट खरीदने पर आपको एक फ्री गिफ्ट मिलता है, जो मुझे ये मिला है। मैं अभी इसको चेक कर रही थी, मैंने चेक नहीं किया था, तो मैंने सोचा लो चेक कर लें कलर कैसा आया है, तो इसका कलर वाकई अच्छा आया है, मेरे पास ये कलर था भी नहीं, मुझे लेना था तो ये मुझे फ्री गिफ्ट मिल गया है। ये पर्पल की लिपस्टिक है, और इसका शेड नंबर है 2 Light 10 है, ये देखिए, तो मुझे ये लिपस्टिक मिल गई है, अच्छी है, बुलेट लिपस्टिक है। इसका शेड मैं इधर दिखाती हूँ, ये देखिए शेड अच्छा है, मर्जेंटा पिंक टाइप का शेड है, ये अच्छा शेड है, तो रख देती हूँ। और दूसरा मैंने मंगवाया है ये टोनर, ये टोनर भी मैंने गुड वाइब्स का मंगवाया है। अगर कोई और प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ ले लेती तो एक फ्री गिफ्ट और मिल जाता मुझे, लेकिन यही मंगवा लिया मैंने, मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम मंगवा लेते हैं, अभी फिलहाल मैंने यही मंगवा लिया। तो टोनर भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो टोनर मुझे लेना था तो ये मंगवा लिया मैंने। और ये टोनर में निरोली है, पिटी ग्रीन है, स्किन क्लियरिंगफाई, आपकी पोर्स को भी ये क्लीन करता है ये टोनर। वैसे भी गुड वाइब्स के मैंने टोनर यूज़ कर रखे हैं, जैसे एलोवेरा वाला है, कोकम्बर वाला है, मिंट लीव वाला है, ये सब टोनर यूज़ करके रखे हैं, कर लिए हैं मैंने, और आपकी सोचा कुछ चेंज कर दे तो मैंने ये मंगवाया है। और दूसरा मैंने ये मंगवाया है, अभी बार फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करूँगी। वैसे मैं पेंसिल आईब्रो पेंसिल यूज़ करती थी, लेकिन अब की बार मैंने ये पैलेट मंगवाया है, इसका गिर गया, ये देखिए शेड देखिए, तो ये मैंने मंगवाया, ये हल्का एक ब्राउन है, कैमरे में पता नहीं क्या दिख रहा है मुझे समझ में नहीं, एक ब्राउन है और एक ब्लैक है, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें एक छोटा सा ये ब्रश भी दिया हुआ है, तो ये मैंने मंगवाया, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैं पेंसिल यूज़ किया करती थी अभी तक तो मैं। और एक ये मेरा काजल भी ख़त्म हो रहा था, तो फेसेस कनाडा का मैंने काजल मंगवाया है। सो फ्रेंड्स, यही मेरी छोटी सी शॉपिंग रही जो मैंने आपको दिखाई है। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल पे कुछ नए सब्सक्राइबर आए हैं, सो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देती रहूँगी, और आपके प्यार आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत नीड है। सो क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, बहुत छोटा है, और इसे बड़ा करना है, सो इसलिए प्लीज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।